बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सीनियर मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एक्साइज एंड टैक्सेशन इंफॉर्मेशन शर्जील मेमन साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मास्टर कार्ड माइक जोन्स, मिस्टर नुमान अजहर चीफ ऑफिसर जिंदगी जेएस बैंक, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बैंक अल इस्लामी इमरान अलीम शेख, प्रोजेक्ट डायरेक्टर शोएब शफीक, ब्रिगेडियर गर्ल ऑफ एनआरटीसी, अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंडीड डिलाइटेड हम्बल टू बी हियर टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इवेंट वेयर सिंस डिजिटलाइजेशन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज बीइंग इनिशिएटेड एंड एज द मिनिस्टर एंड द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक्सप्लेन्ड, this is the first such initiative anywhere in Pakistan. I congratulate the transport department, the Sindh Mass Transit Authority, and all the people who've worked hard to make this possible. If Mike, I know you don't understand Urdu, but I'd like to speak in Urdu so that my there's an I'll have somebody, I'll have Sharjeel translate everything to you later. से मैंने कहा बहुत खुशी हो रही है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लिया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की पिछले कुछ सालों से बहुत अचीवमेंट्स हैं। हमने स्लो स्टार्ट किया, हमारी जो मास ट्रांजिट का सिस्टम है कराची, अनफॉर्चुनेटली शायद एक ही ऐसा शहर होगा जिसकी इतनी बड़ी आबादी है और जिसमें कोई प्रॉपर मास ट्रांजिट सिस्टम नहीं है। हमने मास ट्रांजिट अथॉरिटी बनाई, हमने इंटरनेशनल एजेंसीज एशियन डेवलपमेंट बैंक उनके साथ 10-12 साल पहले से काम शुरू किया, वर्ल्ड बैंक, उससे पहले जायका के साथ काम कर रहे थे। और इन सारी चीज़ों में हम अपना एक चीज़ भूल गए कि जी हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है SRTC 1970 में बड़ी अच्छी चला करती थी, उसको हम भूल गए, हमारी अपनी गलती है। और फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उवेश शाह साहब और फिर शर्जील साहब जब आए तो उन्होंने ये स्कीम निकाली कि हमने बसेस को तो पहले रोड पे लाना है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट हुई और हमने NRTC के साथ मिल के एक बस सर्विस शुरू की, वो जो लाल बसेस, लेकिन अब वो नीली पीली हो गई है, बहुत सारे रंग उसमें आ गए। आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट दैट, इसलिए कि वो ब्रांड हमारा लाल बसेस का था, वो आई। फिर हमने खवातीन के लिए ये पिंक बसेस शुरू की और जैसे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि ये पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में शायद वाहिद, और हमारा कल्चर ऐसा था कि हमें इसकी ज़रूरत थी और बड़ी कामयाब हुई और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। अब ये जो बसेस की ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन है, अगेन ये लोगों की सहूलत के लिए है और यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी नुमान साहब ने शुरू में बात की रिगार्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हमारी है। मैं ये बता दूँ, टॉक्ट अबाउट इंडिया, यू टॉक्ट अबाउट अदर प्लेसेस, द प्रोविंस ऑफ सिंध इज रैंक्ड सिक्स्थ इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन ऑल ऑफ एशिया। और मैं बता रहा हूँ प्रोविंस ऑफ सिंध बिकॉज हमारी सिर्फ दो प्रोविंसेस हैं, यानी सब स्टेट्स हैं, सब गवर्नमेंट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया इसमें। एक गुजरात है इंडिया में और एक सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में। पाकिस्तान का रैंक 12वां है, सिंध का रैंक 6ठा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और ये पुरानी बात है, ये आज से 4 साल पुरानी बात है। और इस वक्त अगर दोबारा कोई करेगा, बिकॉज उसके बाद जो हमारी सक्सेसेस हुई हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, इट बी द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मे इट बी द सर्विस सेक्टर, और ये तो मैं अभी देख रहा था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, दिस गोज फार बियॉन्ड। और वी हु इज इन, ये एक जो हमारे इनिशिएटिव है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, इसमें कौन कौन पार्टनर्स हैं? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ऑब्वियसली, उसकी सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, देन यू हैव द फेडरल गवर्नमेंट, NRTC comes under the Ministry of Defence, Defence Production, I believe. So the federal government is there.
उसकी सब अथॉरिटी है कि NRTC, देन यू हैव अ लोकल कॉर्पोरेट JS बैंक, यू हैव एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मास्टर कार्ड, टर्किश पार्टनर केंट कार्ड, भूल गया था इसमें था बिल्कुल. सो दिस इज एन इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. एंड दी बेनिफिट किसको जा रहा है? कराची के लोगों को जा रहा है, कराची के शहरी को जा रहा है. सो ऑल ऑफ अस हैव कम टुगेदर टू बेनिफिट द पीपल ऑफ कराची. और सिंध हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, ये मैंडेट है कि वो पूरे सिंध के लोगों की इसी तरीके से खिदमत करे. हमारी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अभी सीनियर मिनिस्टर साहब ने बताया बड़ी डिटेल में, लेट हुए, इश्यूज हुए, लेकिन इस वक्त रेड लाइन, आई लाइक द मिनिस्टर, नॉट नाउ, आई टेक मीटिंग लेटर एंड रियली ले डाउन टाइम लाइन सो दैट वी अचीव द ऑब्जेक्टिव. हम रेड लाइन को तेज़ी से ख़त्म कंप्लीट करना चाहते हैं. येलो लाइन, कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, कल हम अपनी टारगेट से, मुझे बड़ी हैरत हुई, हमने कल एक बहुत काफ़ी लंबी, मैं हर महीने, और इस दफ़े तो मैंने 15 दिन बाद मीटिंग रखी थी हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं उनके साथ, सो दैट वी एक्सपोडाइट, हम खुद भी अकाउंटेबल हों, हम उनको भी अकाउंटेबल करें. इसके मैंने आज सुबह वो टेलीविज़न पर देखा, कहा जी बड़ी उस पर सिंध सूबा, ये मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, आई एम हैप्पी यार. सिंध सूबा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा है अपने इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ काम करने में, और ये सब ने एक्नॉलेज किया है. अच्छा, एक तो होता है ना कि बेहतर हैं, हम बेहतर नहीं, हम बहुत बेहतर हैं, वी लेफ्ट देम फार बिहाइंड. अब वो थोड़े से हमसे, वो कहते हैं जेलस को उर्दू में कहते हैं, थोड़े से जेलस हैं दी अदर प्रोविंसेस एंड दे सेइंग ये कैसे हो गया. आई टेल यू हाउ, क्या हुआ, वी हैड द वर्स्ट फ्लड इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री इन 2022. वो फ्लड अभी बात की थी हलीम साहब ने फ्लड के बारे में कि ऑल इज़ वेल जब कहा गया था, वो फ्लड मैंने अपनी ज़िंदगी में 76 वाला फ्लड भी देखा है, उससे पहले तो 42 में फ्लड आया था जो मशहूर था, लेकिन मुझे जब 2010 का फ्लड था तो उसमें बड़े लोग मेरी गांव में थे जिन्होंने 42 का फ्लड भी देखा था, उन्होंने कहा जी उससे ख़राब है. और 2010 से 2022 वाला फ्लड बहुत ज़्यादा डैमेजिंग था, दोनों साइड पे था इंडस रिवर के, उसके अंदर अभी फ्लड क्या पानी निकला नहीं था. हमें पता था जो चैलेंज हमारे सामने, हमने वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से बात करनी शुरू की, एंड द गवर्नमेंट ऑफ सिंध वॉज एबल टू रेज फ्रॉम दीज इंटरनेशनल एजेंसीज $1.7 billion. अभी हम IMF से $1 billion हमने कुछ दिनों पहले लिया था, हम बड़े खुश हुए थे. एंड वी डिड दिस इन 3 months. द कैटास्ट्रोफी वॉज सच, ऑब्वियसली ह्यूमन एलिमेंट था, दे केम इन, दे सॉ द डैमेज, लेकिन हमारा भी थोड़ा बहुत उसमें हिस्सा था, थोड़ा बहुत काम था. और यही वजह है, मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मेरे साथ थे, दिस वाज अक्टूबर और नवंबर, लेट अक्टूबर अर्ली नवंबर अराउंड दिस टाइम, हेलीकॉप्टर में हम सिंध, 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उन्होंने नीचे देखा तो मुझे कहते चीफ मिनिस्टर साहब ये तो बड़ा मसला होगा हमारा, तो अगला सीज़न भी गया फार्मर्स का. तो मैंने उन्हें कहा था प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सिंध के लोग बड़े रेजिलिएंट हैं, हाँ उन्हें थोड़ी सी हुकूमत की सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट अगर हम दे सके तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि हमारा इस साल का यानी 2022-23 वाला जो वीट क्रॉप है वो एक बम्पर क्रॉप होगा. और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और हमारे फार्मर्स की मेहनत से वो बम्पर वीट क्रॉप हुआ उस साल. तो जैसे मैंने कहा कि दूसरे सूबे थोड़े से भी परेशान हैं, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिंध गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को इस सूबे के रहने वाले ही बी लिटिल करके कोशिश करते हैं कि ये पैसे यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, यहाँ ना मिले,
कल भी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसका मेन मकसद क्या था और मैं आपको बताता हूँ, आई गो बैक, स्पीच लंबी हो जाएगी लेकिन मेरा ख्याल है मैं कर लूँ ये बातें। कराची के बहुत हमें मिलता है सुनने के लिए, राइटली सो, हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना है, मैं कोई जस्टिफाई कोई चीज़ नहीं कर रहा हूँ इधर। कराची के लिए हमने 15-16 में एक स्टडी शुरू की, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी। इसलिए उससे पहले तो 15-16 से पहले मैं कहना नहीं चाहता, हमारे मसले कुछ और थे कराची के। हमारे मसले थे कि दिन में 25 लाशें गिरती थी इधर, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती थी, वो सारी ख़त्म हुई। आजकल भी लॉ एंड ऑर्डर है, वो हम स्मॉल पेटी क्राइम्स, अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त डेवलपमेंट का कोई सोचता ही नहीं था। उस वक्त सोच ये होती थी कि कहीं बम धमाका ना हो जाए, कहीं बोरी बंद लाशें ना मिल जाए। तो हमारी सारी 2008 से लेकर 14-15 तक इसी पे हमारा जहन। अब जब थोड़ी सी बेहतरी आई, हमने कराची डायग्नोस्टिक स्टडी कराई और उसमें वाटर, ड्रेनेज, ट्रांसपोर्ट और जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर कि हमने शॉर्ट फॉल्स देखे कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं। गैप्स फॉर ह्यूज, यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट द सिचुएशन वर। और उसके बाद से हमने इंटरनेशनल, अच्छा अब ये गैप्स जो है, मुझे इस वक्त जो याद पड़ता है, द रिक्वायरमेंट फॉर द सिटी ऑफ कराची, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 or 2017 जब ये ख़त्म हुई थी, वॉज अबाउट $2 trillion। आप समझ सकते हैं हुकूमत सिंध के पास और फॉर दैट मैटर हुकूमत पाकिस्तान के पास भी ये पैसा तो नहीं है कि हम खर्च, और वो क्यों है, इसलिए ओवर द ईयर्स। और आज सुबह मैं कहीं बैठा था, वो कराची के रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो बातें, आई डोंट वांट रियली पॉलिटिसाइज दिस, इसलिए कि आज सुबह मुझे बड़ा अफसोस हुआ था ना कि कोई अचीवमेंट्स को नेगेटिव बता के चाह रहा है कि यहाँ से पैसा चला जाए कहीं और। That will not be acceptable, we will not accept it. तो खैर वो हमने बात करनी शुरू की, और इस वक्त it takes time, आप IMF के हर बात मानने के लिए तैयार हैं, और बड़ी खुशी की थी जब आपको $1 अरब मिला था अभी कुछ दिनों पहले, वो नहीं हो रही थी वो ट्रांजेक्शन, तो आपको याद है कितनी हम परेशानी में थे। हम उस ज़माने में जब IMF के साथ हमारी निगोशिएशंस ख़राब हो गई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट, और ये कोई भी उठा के देख ले, February 2023 जिनीवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर वो $1.7 billion कमिट हुए थे सिंध के लिए, जब कोई पाकिस्तान को कुछ देने के लिए तैयार नहीं था, सुबह सिंध को लोग देने के लिए तैयार थे। हमने वाटर सेक्टर में K4 वर्ल्ड फेडरल गवर्नमेंट बना रहा है, K4 की ऑगमेंटेशन जो है, हमने कराची के लिए कराची वाटर एंड सूरत इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किया, आई थिंक इट्स $1.6 billion द टोटल प्रोजेक्ट, 3 phases, फर्स्ट फेज वी सक्सेसफुली डन, अभी हम फेज 2 की तरफ जा रहे हैं जिसमें ऑगमेंटेशन है कराची की। इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मुझे नंबर शायद सही याद ना हो, मुझे मिनिस्टर साहब कर देंगे या बैठे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले हमारे DG, खैर वो येलो लाइन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं है, $175 million है, $380 million। ना दिस काइंड ऑफ मनी ना आप फेडरल गवर्नमेंट से ले सकते हैं ना प्रोविंस से ले सकते हैं, यू हैव टू रीच आउट टू इंटरनेशनल डोनर्स, यू हैव टू टाइटन योर बेल्ट ताकि सारे प्रोजेक्ट्स हम कर सकें। हमारी जो वेस्ट वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे बताएंगे टोटल उसका अमाउंट क्या है, हम जो TP1 TP2 जो सब खत्म है, वी नॉट ट्रीटिंग, विच इज़ वेरी सैड, उसमें आई एम पार्टली रिस्पॉन्सिबल, मैं बल्कि पूरा रिस्पॉन्सिबल आप मुझे करें, लेकिन सोल्यूशन भी मेरे पास है, यानी हुकूमत सिंध के पास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है सिर्फ। टोटल आपके जो उसे $650 million टू ट्रीट वेस्ट वाटर। Now tell me, where do I bring this money from? I can only bring this money if I present a good case. Nobody lends you money. I've worked in a bank. They don't give you money. Money is not for free. You have to. अभी आप कह रहे हैं ना, सबसे पहले जब आप उस kiosk पे जाएंगे
तो कहे कि वो स्टेट बैंक के KYC नो योर कस्टमर आएगा, तो ये आप सिर्फ अपने पैसे डालने जाते ना बैंक में, तो आपको रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, आपसे हुकूमत पूछती है, आपसे स्टेट बैंक पूछती है, तो मनी पैसे लेने जाते हैं तो क्या क्या होता है? जब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी क्रेडिट वर्थिनेस है, तभी तो 1.7 अरब डॉलर हमें मिल गए, और ये मैंने जो सारी स्कीम्स बताई हैं उसी का पार्ट है। और इंशाल्लाह ताला हम आगे भी इन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, सीनियर मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट का, कि उन्होंने यहाँ आज मधु किया, और जैसे मैंने कहा ये ग्राउंड ब्रेकिंग वेरी मोमेंटस ओकेजन इन आर हिस्ट्री दैट वी डिजिटलाइजिंग आर ट्रांसपोर्ट एंड ऑटोमेटिक कलेक्शन है। मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन भी किया कि Route 1 और Route 9 पे है, लेकिन इंशाल्लाह 30 days इट गो टू ऑल आर इट गो अक्रॉस आर पीपल्स बस सर्विस जो है हमारी। और मैं बड़ा खुश भी हूँ कि इस इवेंट पे ना सिर्फ हमने आज जैसे मैंने कहा ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और फैज़ान कहाँ गए इधर कहीं थे, यू नो वी आल्सो हैड योर कॉलेज रियूनियन आफ्टर 30 years, एंड वेरी ग्लैड अबाउट दैट, एंड द फ्रेंडशिप्स दैट वर सब ने इधर बताई कि बड़ी फ्रेंडशिप्स सारों की है, हम भी सबके दोस्त हैं भाई बता दें तो सबका शुक्रगुजार हूँ कि इधर आए। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपनी पार्टी लीडरशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में, उनकी गाइडेंस में सर्व करती रहेगी। और हमें अभी मैंने बात बताई ना, मैं फिर लेकिन ये मेरे ख्याल है आखिर उधर ही ख़त्म करता हूँ इस बात पे। अभी मैंने बताया कि वी वर एबल टू डिलीवर इन सिंध, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। यही वजह थी हमारी 2018 की इलेक्शन, हमारी हिस्ट्री में हमने सबसे ज़्यादा सीट्स ली थी। हम उस वक्त 99 सीट्स पे थे इन द प्रोविंशियल असेंबली, 168 के हाउस में। हम कोशिश करते रहे 100 पे आए, बट वो 100 हमारा नहीं हुआ। 2024 में सिंध के लोगों ने हमें 117 सीटें दी हैं, यानी 18 मोर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड दैट वी हैड। तो ये इसी की वजह है कि हमने कोशिश की है लोगों की खिदमत करें, लोगों ने एक्नॉलेज किया है इस बात को, और सिंध के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। कराची में दो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, मेरा ख्याल था कि हम जो विजन दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज हु आर आर कंटेंडर्स हियर, यू नो वन पार्टी हैज़ बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देव हैड द सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड देव रूल्ड ओवर एंड देव बीन पार्ट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स, बट जो भी है उसको चले छोड़ें। दूसरी पार्टी जो आई थी, यस द पीपल ऑफ कराची डिड वोट फॉर देम इन 18, लेकिन किया कुछ नहीं। कराची में वी वर एक्सपेक्टिंग मोर, बट हम मेरा ख्याल है कम रह गई हमारी कोशिश, हम और कोशिश करेंगे। और लेकिन कराची में भी हमने अपनी एक्सेप्ट फॉर 1970, ये शायद लोगों को इधर कुछ को पता हो जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से बड़े हैं, उनको पता हो कि 1970 में, 1970 में पीपल्स पार्टी वॉज द लार्जेस्ट पार्टी इन द सिटी ऑफ कराची। वी हैड मोर वोट्स देन एनी अदर पार्टी हियर इन कराची, एंड इंशाल्लाह ताला आई थॉट 2024 को हम कर लेंगे, 24 को नहीं किया तो 29 में वी विल बिकम, बिकॉज वी विल सर्व द पीपल ऑफ कराची। हम खिदमत करना जानते हैं, हमारा नस्बुलैन ये, हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही सिखाया है, और यही वजह है लोग बात करते हैं इस पूरे सिंध में, हमारी रूरल एरियाज में, एक्सेप्ट फॉर द सिटी ऑफ कराची एंड हैदराबाद, एंड वहाँ हमने मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। हमने एक भी कौमी असम्बली की सीट नहीं हारी, हम सब जीते हैं, ये लोगों का क्या शुक्रगुजार है, बट इट डजंट कम ईजिली। और ये भी आपको बता दूं, सबसे क्लीनली, और मैं अभी खैर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी उस पर नहीं जाता, लेकिन हमने जीते हैं। मैं अगेन मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, सिंध के लोगों का, और मैं ये वादा करता हूँ कि अपनी लीडरशिप
की गाइडेंस में वी विल डू बेटर देन द लास्ट 15 ईयर्स दैट वी बीन गवर्नमेंट एंड वी नॉट यू नो लोग चाहे जो कुछ कहें मैं बड़ा खुश होता हूँ मीडिया में भी आती हैं बातें शेख साहब ने बताया यू नो कुत्ते को आदमी काटे तो खबर नहीं बनती आदमी को क्या कहा मैंने कहा कुत्ते को काटे नहीं आदमी अगर कुत्ते को काटो खबर बननी ले ऐसी खबर मुझे नहीं पसंद भाई ठीक है तो वो खबर अच्छी तो नहीं लगती लेकिन सुननी पड़ती है न्यूज़ वही बनती है प्लीज़ क्रिटिसाइज और मैं कभी भी क्रिटिसिज्म से मुझे कहते ना अभी भी एक जर्नलिस्ट आया था मेरे पास और उसने कुछ कान में मुझे कहा मैंने कहा मुझे भाई फ़र्क नहीं पड़ता है मैं सीखता हूँ मे बी 10% ऑफ वॉट यूर सेइंग इज़ ट्रू मे बी 90% ऑफ वॉट यूर सेइंग इज़ ट्रू दैट इज़ इंफॉर्मेशन फॉर मी एंड आई नीड टू मेक माई सेल्फ बेटर एंड मेक द वर्किंग द गवर्नमेंट बेटर सो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया फॉर इन्वाइटिंग मी हियर टुडे फॉर दिस इवेंट एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर अ वंडरफुल जॉब डन थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान जिंदाबाद